नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी संघर्ष चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सृजन घोटाला, भागलपुर में सीबीआई फिर से हुई सक्रिय। फरार आरोपित अमित और प्रिया के फ्लैट पर चिपकाया इश्तेहार। भागलपुर बिहार के सबसे बड़े घोटाले में सृजन घोटाले को लेकर एक बार फिर सीबीआई सक्रिय हुई है। भागलपुर के बहुचर्चित सृजन घोटाले के आरोपित दंपति अमित और प्रिया के फरार होने के बाद अब उनके फ्लैट और अन्य जगहों पर सीबीआई के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया है। बताते चले कि प्रवर्तन निदेशक संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में आज सृजन घोटाले के आरोपी दंपति अमित और प्रिया के अरबों की संपत्ति पर फिर से सक्रिय होते हुए उनके 10 जगहों पर अधिग्रहण पर कार्यवाही करते हुए सबौर के अंतर्गत रजंदीपुर अंग विहार अपार्टमेंट, कई फ्लैट, इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर के पास के भवन, कई खाली जगहों पर प्लॉट आदि को सील किया गया और कई जगहों पर इश्तेहार चिपकाया गया। बताते चले कि सृजन घोटाले में इससे पहले भी अंग अपार्टमेंट के कई कमरों को सील किया गया था। इस घोटाले में अमित और प्रिया के संलिप्तता को देखते हुए सीबीआई ने चार्जशीट भी जारी किया था, जिसके बाद अमित और प्रिया के खिलाफ गिरफ्तार वारंट भी जारी हुई, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। इसी बाबत सीबीआई की टीम ने उनकी फाइल को फिर से खंगालना शुरू किया और भागलपुर सबौर ब्लॉक के अंतर्गत फतेहपुर स्थित अंग विहार अपार्टमेंट के अलावा कई जगहों पर इश्तेहार चिपकाया गया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।